जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। आज हम आपको ले चलेंगे बिहार के शिवहर जिले के एक ऐसे स्कूल की यात्रा पर जहाँ चाहते आसमान छू रही है लेकिन साधन सीमित है। यह है पोझिया मध्य विद्यालय, जहाँ के बच्चे ज्ञान के दीप जलाने के लिए तत्पर हैं, लेकिन इनके सामने बुनियादी सुविधाओं की कमी बड़ी दीवार है। यहाँ न तो पर्याप्त मात्रा में डेस्क बेंच है और न ही शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग कंप्यूटर है, जिसका रखने के लिए काउंटर की व्यवस्था भी नहीं है। बड़ा बच्चा है, कपड़ा पहनता है चुस्त, उसको मैं नीचे बैठा नहीं होता है, जिसके चलते उसको काफी कठिनाई होता है। फर्नीचर का हमारे स्कूल में हम लोग सबसे सीनियर क्लास में चढ़ गए, अभी हम लोग का डेस्क का सुविधा नहीं हुआ, डेस्क बेंच का हम लोग का बैठने में बहुत प्रॉब्लम होता है। फर्नीचर नहीं रहने से बच्चे नीचे बैठना नहीं चाहते हैं। यहाँ के बच्चे सीनियर बच्चे हैं, चूंकि यहाँ छठा सातवा आठवा क्लास चलता है, बच्चे यहाँ पर सीनियर है तो नीचे नहीं बैठना चाहते हैं, संकोच की भावना उनमें रहते हैं कि हम नीचे बैठेंगे। इस तरह से बच्चों की माने उपस्थिति पर भी असर पड़ता है, उनको लिखने में दिक्कत होती है, बैठने में भी दिक्कत होती है। समस्या बच्चे बोलते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं विभाग से, देखिए अब कब तक व्यवस्था हो जाए, इसी आशा पर हम लोग हैं कि भाई व्यवस्था जल्दी हो जाए। और दूसरी बात है कि कंप्यूटर जो हमारे यहाँ 10 सेट आया है, तो सिर्फ कंप्यूटर आया है, उसके लिए फर्नीचर की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग के पास पैसा भी नहीं है, जो पैसा 75,000 मिला था वो सब स्कूल के काम में ही खर्च हो गया है, पैसा का भी अभाव है, जिससे मतलब कंप्यूटर किसी तरह डेस्क बेंच पर हम लोग उसको व्यवस्थित किए हुए हैं, वो भी ठीक नहीं है, कभी भी गिर सकता है, फूट सकता है। और कितना बार आवेदन दिए हैं? आवेदन तो फर्नीचर के लिए ऐसे मौखिक तो हम लोग फोन से भी बातचीत होती रहती है, कंप्यूटर वाले जो आए एनजीओ के माध्यम से उनको भी पता है, इस बात की जानकारी है कि फर्नीचर नहीं है, तो बोले कि ठीक है सर, जब पैसा का व्यवस्था होगा तब उसको कर लीजिएगा, अभी तो कोई व्यवस्था नहीं हो सकता है। हम लोग विभागीय अधिकारी से ही बात किए लेकिन कोई माने क्लियर इसके संबंध में बात जो है सामने नहीं आया। खड़े हो जाए तो पीछे के बच्चे को दिक्कत होता है, क्यों खड़े होना पड़ता है, आगे का नहीं दिखाई देता है, बैक बोर्ड पर मतलब कुछ भी मैम लिखते हैं तो नहीं दिखाई देता है, और क्योंकि आगे बड़े बच्चे रहते तो और नहीं दिखाई देगा। फर्नीचर के लिए आप कहीं पे मांग किए हैं? फर्नीचर के लिए हमने बीएसएस की मीटिंग में जो है फर्नीचर की जानकारी देते हैं, जो बीएसएस की मीटिंग में होने के बाद उसका पेपर जो है बीआरसी या शिक्षा विभाग को जाता है, वहाँ हमने आवेदन कर रखे हैं पहले से। कितना बार किए हैं आप सब? 2 बार। विभागीय लोग क्या बोलते हैं? विभागीय लोग यही बोलते हैं कि जो राशि जो आपको मेंटेनेंस के लिए आवंटन होती है उसमें आप अपने कार्यों को पूरा करें। इन समस्या को बदलाव को लेकर के बीएसएस के मेंबरों के साथ मीटिंग किए, आवेदन लिखे, फिर अध्यक्ष लेकर के गए थे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से मिलने, लेकिन वो नहीं मिले। हम फोन से बात डीओ डीपीओ डायरेक्ट अपने डीओ साहब देख रहे हैं, इसमें हम लोग उसके माध्यम से न कंप्यूटर गया है न कोई फर्नीचर जा रहा है, न इसके बारे में हम लोग को कोई अपडेट किया जा रहा है। हमारा आग्रह है कि समुदाय, सरकार और दानदाता सभी इस दिशा में कदम बढ़ाए, छोटी सी मदद इन बच्चों की जिंदगी को बड़ा बदल सकती है।